जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अगुवाई वाले क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तेजाब कांड की दो पीड़िताओं को 25 लाख रुपए का मुआवजा अदा करने का फरमान सुनाया है। ये मुआवजा राज्य सरकार द्वारा अदा किया जाएगा। बता दें कि वर्ष 2005 में मंडी में एक मनचले ने चलती बस में बैठी युवतियों पर तेजाब फेंक दिया था। इस तेजाब कांड के कारण करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे, जबकि दो युवतियाँ बुरी तरह से जख्मी हुई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अगुवाई वाले क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तेजाब कांड की दो पीड़िताओं को 25 लाख रुपए का मुआवजा अदा करने का फरमान सुनाया है। ये मुआवजा राज्य सरकार द्वारा अदा किया जाएगा। बता दें कि वर्ष 2005 में मंडी में एक मनचले ने चलती बस में बैठी युवतियों पर तेजाब फेंक दिया था। इस तेजाब कांड के कारण करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे, जबकि दो युवतियां बुरी तरह से जख्मी हुई थी। एक युवती की दोनों आंखें चली गई और वह 100% दिव्यांग हो गई, जबकि दूसरी 40% दिव्यांग हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जिला एवं सत्र न्यायालय में गठित इस बोर्ड ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पीड़िताओं को ये राशि देने का फरमान सुनाया है। 100% दिव्यांग युवती को 13 लाख जबकि दूसरी युवती को 12 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जिला न्यायालय मंडी में लीगल सर्विस अथॉरिटी के मीडिएटर समीर कश्यप ने बताया कि बोर्ड द्वारा तेजाब कांड की पीड़िताओं को राहत देने के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के इतिहास में तेजाब कांड की पीड़िताओं को अभी तक इतनी बड़ी मुआवजे की रकम अदा नहीं हुई है और ये इस तरह का पहला मामला है। बता दें कि क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके चेयरमैन होते हैं, जबकि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके सचिव होते हैं, जबकि डीसी मंडी, एसपी मंडी और सीएमओ मंडी इसके सदस्य होते हैं। बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन आरके शर्मा और सचिव असलम बेग ने इस मामले पर संज्ञान लिया। बोर्ड के सचिव एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश असलम बेग ने मामले की गंभीरता को समझा और तेजाब कांड की पीड़िताओं के इस मामले को गहनता से स्टडी की। समीर कश्यप बताते हैं कि मामला 2005 का था और उसके बाद कानूनों में कई प्रकार के बदलाव हुए। जब हमला हुआ तो उस वक्त मुआवजे का प्रावधान नहीं होता था, लेकिन सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने मामले की गंभीरता को समझा और ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 27 मई 2005 को इस मामले की मुख्य पीड़िता जब बस में बैठकर अपने घर जा रही थी, तो इसी दौरान एक युवक ने बस में चढ़कर हाथ में ली एसिड की बोतल से मुख्य पीड़िता पर एसिड छिड़क दिया था, जिससे मुख्य पीड़िता, दूसरी पीड़िता सहित बस में सवार 11 लोग घायल हो गए थे। पीड़िताओं का इलाज लंबे समय तक अस्पताल में चलता रहा। कि जो 100% जिस लड़की को डिसेबिलिटी आई हुई है उसको 13 लाख रुपए, और जो दूसरी लड़की है जिसको 40% की डिसेबिलिटी है उसको 40 लाख रुपीस, नहीं 12 लाख रुपए बतौर कंपेंसेशन दिया जाएगा। और ये कंपेंसेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है वो उनको पे करेगी। तो ये एक बड़ा देर से, हालांकि देर से आया हुआ फैसला है, लेकिन तब भी एक अहम फैसला है। और अभी तक का हिमाचल प्रदेश का ये अपनी तरह का एक पहला मामला है। और मेरे ख्याल से जो एसिड विक्टिम जो है इनको कंपेंसेट करने वाला ये सबसे ज्यादा अमाउंट देने जो कंपेंसेशन अवार्ड है इस केस में हुआ है, तो इस मायने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है।